हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, कल था मंडे, तो मंडे हम लोग गए थे कल्याणी जो घूमने। कल्याणी में बहुत फेमस पैंडल बना था, जो चार धाम होते हैं ना उसके, यानी केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये सब का पैंडल ना बड़ा सुंदर बना था। ये देखिए, हम लोग सुबह सुबह अपने घर से, मतलब मेरे घर से निकल गए थे सुबह मैंने तकरीबन 11 बजे निकले थे। सुबह के टाइम में इतना ट्रेन भीड़, इतना कि आप क्या कहें। और यहाँ से क्या हुआ, मोबाइल ट्रेन में ना एक आदमी का मोबाइल भी चोरी हो गया था। व्यक्ति एक आदमी का मोबाइल चोरी हो गया, क्योंकि वो भी थोड़े मतलब क्या उनका मिस्टेक था कि मोबाइल जब भी ट्रेन ले गए सामने की तरफ रखे, लेकिन वो उन्होंने पीछे की तरफ रखा था, जिसके कारण उनका मोबाइल पीछे पॉकेट हुई। ऑटो पकड़ने के लिए हम लोग, ये देखिए हम लोग चलते कल्याणी उतरे। कल्याणी अभी हम लोग मध्यम ग्राम अपने घर से निकल रहे थे, निकलने का रास्ता है। तो ये देखिए, हम लोग निकल के यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ के फिर ट्रेन। पैदल पैदल इतना चलना पड़ता ऑटो के लिए, फिर ऑटो से वहाँ से ट्रेन पकड़ना पड़ता, बहुत दूर है। मतलब मेरा जो घर है ना कट लाइन में, जिसके कारण बहुत ट्रेन जर्नी बहुत है। ऑटो, ट्रेन, फिर ऑटो, फिर टोटो, ये सब। यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए सोदपुर। इधर देखिए, सोदपुर से यहाँ टिकट का टाइम है, फिर ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे थे। ट्रेन इतना देख लीजिए, हम लोग कितना भीड़ चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ चलता है। और रात उठने का भी जगह आपको नहीं मिलेगा, स्टेशन में ही देखेगा भीड़ कम इतना रहता है। ये देखिए ट्रेन खाली दिखेगा, कितना खचा खच भरा है। और रात को तो ऑटो ही नहीं मिल रहा था घर नानी घर से जाने के बाद। ये तो हम लोग इधर जा रहे हैं, अभी ट्रेन में उठे ट्रेन में आए हैं, कल्याणी उतरे हैं। कल्याणी हम लोग चार धाम पंडाल देखे, जो पंडाल बना था चार धाम, वो बहुत दूर है, पर नहीं स्टेशन से बहुत नजदीक था। तो हम लोग पैदल पैदल ही चले, मतलब रास्ता सारा बंद कर दिया गया था। सुबह के टाइम में भी बहुत ज्यादा भीड़ था, हद से ज़्यादा, रात से ज़्यादा। मुझे तो लग रहा था कि सुबह आदमी घूम रहा है, इतना ज़्यादा भीड़ था। उसके बाद फिर हम लोग ये एक ही पैंडाल देखे, क्योंकि घर भी जाना था, काम था, कोई का काम कैसे गए थे तो वो काम निपटाना था, इसीलिए जल्दी जल्दी देख लिए। क्योंकि यहाँ पे ही हमारे 1:30 बज चुका था और भूख भी बहुत जोर लग गया था, मम्मी खाना बना के रखी थी। लाइटिंग तो रात को अच्छा लगता है, पर हम लोग रात को इसलिए नहीं गए कि छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएंगे और कम इतना दूर में। पैंडाल इतना मस्त बना था, लग रहा था कि सचमुच का केदारनाथ में आ गया। बहुत बना था। और ये जो है कल्याणी का, ये सब नाम किया एरिया है जहाँ अच्छे अच्छे पंडाल हर साल बनते हैं। और एक आईटी में भी था, वहाँ पे हम लोग घूम नहीं पाए, क्योंकि बोले तो टाइम के शॉर्टेज के कारण नहीं घूम पाए। और तो यहाँ पे भी ये पैंडल सामने था, लेकिन जो गली गली से रास्ते लगे थे ना, जिसके कारण हम लोग को बहुत चलना पड़ा। फिर आते समय हम लोग जल्दी निकल गए। यहाँ पर अभी यहाँ पे देखे मेरे हस्बैंड फोटो खींच रहे थे। गली था ना, ये चलते चलते पूरा पांव दर्द करने लगा, थोड़ा दूर में था, मतलब पैंडल एकदम सामने था, दूसरा रास्ते से जाने से बहुत नजदीक था, लेकिन वो रास्ता सिर्फ एग्जिट बाहर के तरफ के था, और एग्जिट के लिए दूसरा रास्ता गया था, मुझे बहुत ज्यादा दूर पड़ गया था। फिर भी पैदल पैदल ही जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ ऑटो नहीं आने दे रहा था, और सुबह के शाम टाइम में भी बहुत गार्ड दिए हुए थे। चल पड़े हम लोग, ये देखिए मैं देखने चार और मेरे बेटा चल रहे हैं, चल रहे चल रहे चल रहे केदारनाथ, बहुत दूर चलना पड़ा। अब इसके बाद देखिए आदमी का मतलब कितने लोग यहाँ देखने आया सुबह के टाइम में, बताइए। आदमी लाइटिंग देखने जाता है, लेकिन आजकल तो भीड़ भड़कम के चलते सब सुबह ही जाते। मैं भी इसी कारण ही सुबह गई थी कि भीड़ भड़का ना हो, ज़्यादा भीड़ भड़का बच्चों लोग को परेशानी हो जाती है, इसीलिए मैं सोची सुबह ही जाके देखाऊँ। और रात को उतना देखने भी नहीं मिलेगा, ये लोग जल्दी निकाल देते हैं। लेकिन रास्ता बहुत चलना पड़ा था, यहाँ चलते चलते इसको आइसक्रीम खाना था, तो आए आइसक्रीम भी पीने थे इसको। बस ये देखिए मोड़ घूमे, अभी भी बहुत दूर चलना है।
देखे रास्ता में कितने लोग आ रहे हैं, जाना पड़ेगा लाइन भी बड़ा हो जाएगा बोल रहे हैं। बस चले ही जा रहे, पैंडल नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे पूछ रही थी कि और कितना दूर है। मतलब टर्निंग दिया हुआ था ना, तो इसके कारण बहुत दूर लग रहा था। और जमजमाहट देखे, लाइन देखे, और लाइन भी वैसे ही था, बहुत ज़्यादा लाइन थी। ये देखे सुबह का टाइम, मॉर्निंग का टाइम का देख लीजिए कितना भीड़ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात के टाइम में कितना होगा। तो कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा केदारनाथ। जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते उनके लिए वीडियो, मैं तो खुद ही नहीं जा सकती, तो मैंने यहीं से दर्शन कर लिए। चलो भोले बाबा का जब कृपा बरसेगा तो जरूर जाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल यहीं से दर्शन दे रहे हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। देखिए लाइन देखिए। और आप लोग केदारनाथ कभी रियल वाला केदारनाथ में गए तो कमेंट में लिख दीजिएगा। तो देखिए लाइन मतलब आस्ते आस्ते बढ़ रहा था, तो जिसके कारण थोड़ा देर लग रहा था। व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये चार धाम है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है और गंगा भी है। तो देखिए कितना ऊपर की तरफ जाने का रास्ता था, लेकिन कुछ कारणवश वहाँ बंद कर दिया गया। नहीं तो पहले जब बना था तो लोग जाते थे, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया गया। हम लोग पीछे के रास्ते से दुर्गा माँ का दर्शन के ये व्यू और इसके ऊपर चढ़ भी सकते हैं हम लोग। आप लोग चार धाम का यात्रा यहीं से कर लीजिए। हर हर महादेव। अगर आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा, हम लोग के पास पैसा वगैरह, तो रियल वाले किधर ना जाएंगे वहाँ पर आपको ब्लॉग भी दिखाएंगे। देखिए अच्छा लग रहा है कि एकदम ओरिजिनल ही है। बस यहाँ से जाते जाते पीछे के रास्ते में दुर्गा माँ बैठाया हुआ है, बस वो देख के फिर निकल जाएंगे। घर जाना था, 1:30 बज गया, तो बहुत ज़्यादा भूख भी लग गया था। पंडाल देखे कि और भी देखने का मन था, लेकिन बस वीडियो यहीं तक का था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।